ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आइए आज हम एक रीडिंग करने चले हैं कि आपके पार्टनर अगर आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे किसी भी रीज़न से, चाहे वो आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है या कोई प्रॉब्लम आई है या कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से वो बिल्कुल साइलेंट है फ्रेंड्स, तो हम उस पर एक रीडिंग बनाने जाएंगे। और ये रीडिंग आप सन एंड मून साइन जो भी आपका मैच करता है या फिर अपने नाम के हिसाब से जो आपको सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और मैं आपसे एक और बात कहूँगी कि जिन लोगों ने भी आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे ज्वाइन किया है, आई वेलकम यू ऑल। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं इस पर वीकली रीडिंग्स डालती हूँ। प्लस आप अपना नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आपको रीडिंग्स आती रहें। सो फ्रेंड्स, अभी हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स निकालेंगे कि क्यों साइलेंट हैं। बेसिकली हम उनके साइलेंट होने का रीज़न निकालेंगे और क्या चाहते हैं वो, उनके अगर मन में कोई बात है उनके लव मैसेजेस निकालेंगे, एंड फाइनली आपको क्या डिवाइन गाइडेंस मिलती है, आपको क्या इस सिचुएशन में करना चाहिए उसके ऊपर निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितनी रेजोनेट हो उतनी ही लीजिएगा। ज़बरदस्ती कोई भी बात को, कोई भी चीज़ को अपने ऊपर इम्पोज करने की या ज़बरदस्ती लागू करने की ज़रूरत नहीं है। और एक लास्ट बात मैं और कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, जो नंबर फ्लैश हो रहा है, देखिए ये फ्री रीडिंग्स नहीं है। फ्री रीडिंग ये है जो मैं यूट्यूब पर कर रही हूँ, वहाँ पर पेड रीडिंग होती है और पेमेंट के बाद ही रीडिंग होती है। कई लोग मुझे फ्री रीडिंग के लिए कहते हैं, प्लीज़ आप मुझे फ्री रीडिंग नहीं करें, हमें तो पता ही नहीं था मैम कि ये फ्री नहीं है, हमें तो लगा फ्री है पेड है, नहीं है। तो देखें, आप कोई अपना टाइम ऐसे तो किसी को नहीं देगा ना फ्री रीडिंग्स करने के लिए। फ्री रीडिंग्स के लिए ये चैनल पर है जहाँ पे YouTube मेरे को पेमेंट करता है, इसलिए मैं यहाँ पर रीडिंग्स बनाती हूँ। वहाँ पर मेरी पेड रीडिंग्स हैं जहाँ आप अपनी बात लेके आते हैं और मैं आपको आपकी पर्सनल कार्ड्स निकाल के रीडिंग निकाल के देती हूँ। सो आपको आई होप ये सब चीज़ें क्लियर हों। अब हम इस पर रीडिंग स्टार्ट करते हैं अपनी। सो सजिटेरियस धनु राशि, आइए देखते हैं धनु राशि के लिए क्या है टैरो रीडिंग उनके पार्टनर की, कि वो क्यों साइलेंट हैं, क्या रीजंस हैं आपके पार्टनर के साइलेंट होने के। सो आइए देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। सो जजमेंट के कार्ड से आपकी रीडिंग शुरू हुई है। एट ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, द मैजिशियन, एट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो देखिए धनु राशि, आपके जो पार्टनर हैं वो एक तरह से जजमेंट के कार्ड से मुझे ऐसा दिख रहा है उन्होंने भगवान से जैसे न्याय मांग रहे हैं। अब आप दोनों के बीच में ऐसा क्या हो गया है, क्या प्रॉब्लम हो गई है कि उन्होंने क्या इतना गलत कुछ हो गया है कि उस गलती का वो अब भगवान के आगे हाथ फैलाने लग गए कि आप ही रिजल्ट निकालें, आप ही मेरे साथ सही करें, आपके ही हाथ में है सब कुछ, जो करना है अब आपको करना है। और आगे के कार्ड्स आप देखें तो एट ऑफ सोर्ड्स और स्ट्रेंथ से मुझे दिख रहा है कि अभी फ़िलहाल उन्होंने हर एक चीज़ से अपना ध्यान हटा लिया, हर एक से शायद वो लोगों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होते, ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे, या बातचीत कर रहे हैं तो उसमें अपनी तरफ से ज़्यादा इनपुट नहीं डाल रहे और बहुत ज़्यादा वैसे से नेचर के हो गए हैं, चिड़चिड़े से और चुप चुप से रहने लग गए हैं। शायद उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है चीज़ों को में करना क्या है, और अपने अंदर मैनिफेस्ट करते हैं कि अब मैं अपने लिए खड़े हूँ। ठीक है, अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अपने लिए खड़े होना चाहते हैं, अपनी बात को बहुत सीधी तरह से वो बोलने लग गए होंगे। अगर पहले नहीं बोल रहे थे तो सैजिटेरियस अब वो बोलने लगे हैं। उनकी सैडनेस और ये हार्शनेस इतनी बढ़ गई होगी कि अब वो शायद चीज़ों में ज़्यादा इनपुट भी नहीं डालते, आई थिंक वॉक अवे कर देते होंगे। उनको ऐसा लगता है कि अब उनके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं बची कि वो रिश्ते को और खींचे, तो जो सबसे आसान तरीका उनको लगता है वो लगता है उनको कि मैं चुप ही हो जाऊं, बेटर यही रहेगा कि मैं साइलेंट हो जाऊं।
साइलेंट रहकर कम से कम उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तो बना के रख रहा हूँ। अगर मैंने अपनी अब तक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाई हैं तो अब आगे तो ना उड़ाऊँ, ऐसा उन्हें लगता है। और टावर से दिख रहा है कि वो अब ये जो भी आप दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको वो ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उसको वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, उसे अब वो उसके अंदर और ज़्यादा उस नेगेटिविटी में नहीं रह सकते। तभी तो उन्होंने जजमेंट के कार्ड से ही दिख रहा था कि सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया, तभी ये चाहते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो, मेरे साथ कुछ अब अच्छा हो, अब इतना बुरा हो गया, अब और अब क्या मेरे साथ इससे ज़्यादा बुरा होगा। तो अब वो अपने ही आप में जैसे खो गए हैं, तभी वो एट ऑफ सोर्ड्स आए कि सोच नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, बोलना नहीं चाहते, और बोलते भी हैं तो गुस्से में बोलते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते, इस तरीके का है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है उनके लव मैसेजेस, अगर कोई लव मैसेजेस देना चाहते हैं क्या वो आपको। तो दो मैसेजेस मैंने निकाले हैं सैजिटेरियस। एक सबसे पहला बहुत ही प्यारा कार्ड आया है, वो कहते हैं यू लव मी। तो उन्हें ये चीज़ पता है कि कितना भी कुछ भी हो जाए आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स कमी नहीं होंगी, भले ही आप उनसे बात नहीं कर रहे हों, भले ही आप सैड हो, भले कोई भी दिक्कत हो। यू नेवर गिव अप ऑन मी। तो आप शायद भले ही चुप रह रहे हों, वो भी चुप हों, पर आप उन पे गिव अप नहीं करते, आप उन्हें छोड़ते नहीं, उन्हें भूलते नहीं, अपनी तरफ से उन्हें पूरा योगदान देते हैं, या चुप रहकर भी उन्हें दिखाते हैं कि मैं उनके लिए हूँ। तो इस चीज़ का उन्हें बहुत यकीन है आपके ऊपर। आइए देखते हैं सैजिटेरियस, क्या डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए, आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें क्या डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए। डिवाइन गाइडेंस निकालते हैं सैजिटेरियस। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में अब हो रही है, चाहे वो पुराना साइकिल खत्म होकर नई शुरुआत हो रही हो, चाहे किसी भी तरह से, बट एक नई शुरुआत आने वाली है आपके लिए। अगला कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है, अ विन विन आउटकम इज फोकस। तो कहीं ना कहीं आपको जो भी आप नई शुरुआत अब आ रही है उसमें एक नई जीत ही मिलना ही फोरकास्ट है। फोरकास्ट है मतलब प्रिडिक्शन है। और थर्ड है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो ना ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करें, चीज़ों में एक बैलेंस लाने की कोशिश करें, अपनी तरफ से संभालने की कोशिश करें, और ना ज़्यादा इमोशनल हो, ना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके सैजिटेरियस कार्ड्स। होप आप इससे रेजोनेट कर पाए हों रीडिंग से। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।